तो हम लोग आगे पिंडी करतारपुरा बाला टिका वाले के पास, बाबर आजम का इकलौता और सच्चा फैन बाबर आजम का, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग तोते बने हुए हैं, ये देख ले, ये हम लोग जा रहे हैं जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आज मैच है और हमें यकीन है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आज जीतेगा। और शुक्र हमारे पैसे लाल हो जाएंगे और हम बारिश भी नहीं है और बरसाती लेके आए हुए, तो सुबह तक अरे कहना क्या चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ सुबह तक जो हमारी यही थी प्रिडिक्शन जो थी वो 50-50% बारिश का चांस था। अभी ये बच्चे ने पहने हुए है पाकिस्तान वाला अमार खान 56 नंबर बाबर आजम लवर, ये भी बाबर आजम लवर है और बाकी हम जो एक दो किंग आवर इज बैक, ये एक दो और मैं तीन, हम लोग गरीब बनने, हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब टूट ओ इस तरह की पाकिस्तान वाली शर्ट्स लेने का। तो बसंती हमारी रेडी है और हम लोग अपने सफर का आगाज करते हैं पिंडी की तरफ। तो हम लोग 6 बंदे और इसी बसंती में बैठे के, चलो ना यार बैठो, टाइम नहीं है, दो हो गए, तीन, चलो जी सामा भी गया, 4 रूमी ये है, 5 ये बकरियों की तरह बैठ के सारे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बैठ के आऊं। सॉरी भाई पेट पूजा का सामान लेते हुए, फिर भाई क्या लिया ये आपने? बस बच्चों के लिए लिए। बच्चे कौन से जी? अब ये बच्चा है छोटा सा? मेरे लिए तो बच्चे ही है। अच्छा बस फिर भाई आपकी आवाज बहुत प्यारी है जी, ये आवाज किधर से ली है? अच्छा तो ये तो इसराइल वाली बोतल ले ली आपने, पेट पूजा का सामान ले लिया हमने, ये मेरी बसंती आ गई और ये चैनल आ गया, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले जी, यूट्यूब चैनल आ गया गपशप विद अवैस। हाँ जी माल आ गया, आप लोग खुश हो मुतमैन हो? आज का मैच कौन जीतेगा? आज का मैच कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ये पेप्सी ले ली थी, ये आपने पाक कोला क्यों नहीं लाई जी? ये पाक कोला उनके पास थी नहीं ना, कोक नहीं लानी ना। कंफर्म जन्नती है। तो अगर किसी ने कैश, किसी कार्ड की हो लेकिन अवैस भाई को मुफ्त की मिली नहीं, किसी ने कैश पकड़ लिया तो उसको कुछ ना मिलेगा? कुछ इंशाल्लाह मिलेगा उसको, वो बाबर भाई आके पप्पी देंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी अपनी बसंती को हम लोगों ने पार्क की है यहाँ पे पार्किंग में, अपनी बसंती को हम लोगों ने अभी लगाया है और ये पेड पार्किंग है, जो स्टेडियम की पार्किंग है वो पता नहीं क्यों कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद की हुई है उन लोगों ने। अभी अमार ने टिकट निकाल ली है, अमार टिकट सारे 6 के 6 टिकट है और अभी हम लोग जाते हैं स्टेडियम की तरफ। बाहर बहुत ज़्यादा रश बनी हुई है और इस वजह से ट्रैफिक जाम थी काफ़ी ज़्यादा, हम लोग हो गए लेट, 6:30 बज चुके हैं। ये कौन सी ये आ गई जी हमारी? पहले हमें रोक लिया गया प्राइवेट पार्किंग में, ब्लैकमेलिंग पे 500 रुपये, ये प्राइवेट पार्किंग यहाँ पे 500 रुपये की मिली है पीछे। दोस्तों ये इलाका जो है, ये एरिया अभी बंद हुआ हुआ है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, आई थिंक इन लोगों ने पार्किंग जो इसकी है वो बंद की हुई है। 1 किलोमीटर अभी यहाँ से हम लोगों ने आगे मजीद जाना है। उसामा हमें ढूंढा था, उसामा घूम गया और उसामा बकरे वाली मंडी में चला गया, बकरे जकरे देख रहे थे, आगे आगे कुर्बानी की जा रही है। बकरों की क्या कीमत है? 25,000-30,000 वैसे सस्ते यार ले लेते हैं, सस्ते हो यार। और टिकट जो है बहुत से लोगों को नहीं मिल रहे, हम लोगों ने भी ये अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते पहले बुक किए हुए थे। चलो सामा काफी जो है ये बता रहे सबको टिकट कहाँ से मिलेगा है। तो चेकिंग हो गई है, सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है, अभी हम लोगों ने कितना अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर जाना है ना आगे। आवाम बहुत ज्यादा जा रही है, बाबर आजम का इकलौता और सच्चा फैन बाबर आजम का, ये देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर का, मैं पढ़ूं, आई हैव ऑलवेज बिलीव ऑन अ मैन व्हेन ही कम्स टू बैट, बाबर आजम। ये बाबर आजम कैसे, जितनी भी ये शॉप्स है इस इलाके की ये सारी बंद हुई हुई है, बच्चों की ईद होगी रोड के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। तो सामान ने नया टेंटा लगाया हुआ है, लोगों को यहाँ पे टिकट मिल नहीं रहा और इसने हाथ में उठा के घूम रहा है, क्या है जी वाले। तो उसामा के हाथ में जो जो टिकट देखते हैं और आगे इससे इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि उसामा टिकट किधर से मिलते हैं भाई जान, ये वो, उसामा ये ड्रामा बंद कर दो बस अब। ओए हेलो बाबर आजम, मिनी बाबर आजम। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं
किधर 1 किलोमीटर वो आगे जाना है, डर स्टेडियम पहुंचते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कुछ 600 चौकियां क्रॉस की है, उसके बाद अभी मजीद 2-3 चौकियां क्रॉस करनी है। इतनी ज्यादा चेकिंग हो रही है, इतनी चेकिंग तो पार्लियामेंट हाउस में भी नहीं है। क्यों जी? मुश्किल है अभी। टिकट का क्या है सीन है? टिकट वाला प्रोग्राम बढ़ गया है, जो लोग वैसे ही गए हैं फजूल। जो बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे है जिन्होंने टिकट नहीं लिया, वो ये समझ रहे थे कि यहाँ से हम लोग पेड कर लेंगे टिकट ले लेंगे, लेकिन नहीं जी, ऑनलाइन जिन लोगों ने बुक किया टिकट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिला है। हम लोग एक कदम और नजदीक हो गए अपनी मंजिल के, और आप रश देख सकते हो। ये देखो जी कितनी ज्यादा रश आई हुई, बहुत ज्यादा आवाम आई हुई है आज। पुलिस वालों ने हम लोग एक प्ले कार्ड बना के आए थे, वो हम लोगों से ले लिया है, उसको इजाजत नहीं दिया, सबका तकरीबन ले लिया है, उसकी इजाजत हमें नहीं मिली कि हम वो अंदर लेके जा सके। प्ले कार्ड नहीं लेके जाने दिया ना, प्ले कार्ड बाबर आजम का इतनी मेहनत से ये बना के ले गया। मुझे अपने घर जाना है। है इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि आप नहीं लाने दिया भैया, प्ले कार्ड ले लिया यार। कुछ 25 एक जगह हमारी जगह वही जैसे हम लोग टेररिस्ट। व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर ट्रिप? टेररिस्ट। व्हाट? ही इज टेररिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद 4 चौकियां पार करने के बाद हम लोग स्टेडियम के पास पहुंच चुके हैं। कौन? एक और भी है। ओए 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 ओए, बहुत ज्यादा चेकिंग है यार, बहुत ज्यादा चेकिंग है यार। देख हेलो हेलो, बाल उठ के सिर न लगे। हां जी जी जी, वो देखिए हम लोग उधर से गए कुछ 4 किलोमीटर पहले पैदल वॉक किए और उसके बाद अब फिर वापस 4 किलोमीटर मजीद, और आगे फिर हम लोगों ने लाइन में भी इंतजार करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंचे यासर अरफात, जो है ये हमारे टिकट के ऊपर यासर अरफात वाला गेट नंबर 7 है, और हम लोग गेट नंबर 7 के बाद अभी गेट नंबर 7 के पास पहुँचाए हैं। बस अमार लोगों का इंतजार है, अमार फरी भाई भी आ गया है, अमार और उसामा भी आ गया, वो आ गया थका हुआ। तो अभी इसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे दोबारा लाइन बनी हुई है यार, इतनी ज़्यादा लाइनें बनाई हैं इन लोगों ने, इतनी ज़्यादा चेकिंग है, क्या बताऊँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हम लोग पहुँच आए हैं। ये जी आ गए। हाँ जी भाई जान, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को आखिरकार मिल गई है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ग्राउंड के अंदर भी पहुंच चुके हैं, और ग्राउंड के बहुत मुश्किल से पहुंचे, लेकिन मजा आया या नहीं आया? 35 जगह चौकी लगी हुई थी, 35 अगर मस्जिद होती तो मैं तो 2 नफल भी पढ़ लेता, लेकिन शुक्राने के कंट्रोल। दोस्तों सैम अयूब को आवाजें देते देते ये भाई का गला बैठ चुका है, गला बैठ जा भाई, देखे आवाज ही नहीं। मैंने क्या बोला था? आप स्टेप्स लेके आए हैं साथ में, तो आपकी गलती है ये। और सैम अयूब, ये सामने सैम अयूब आ गए हैं, और इस वक्त इब्रार जो है वो बॉलिंग पे, सैम अयूब ये, और इसने इतनी चीखें लगाई, इतना ज्यादा शूटिंग की है, इतनी चीखें लगाई है कि मेरा गला बैठ। आप बहुत सक्सेस नहीं हुए। कौन है ये लोग? ये तो हालात वाकियात है इस कौम की। तो इसके बाद हमारा मुकाबला है यासर अरफात, मतलब जो कि हम लोग यहाँ पे क्राउड में बैठे हुए, और दूसरी साइड पे है शोएब अख्तर वाले। अभी पता चल जाएगा कौन जीतेगा, कौन ज्यादा शाउटिंग करेगा। उसामा फुल जोश और जज्बा चाहिए मुझे जी, इंशाल्लाह चासा जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए जी अपना मुकाबला, चीखा पुखाकी का ट्रॉफी आ रही है जरा से। हमें लगता है जी हम लोग कैमरे में आए हैं, आए जी आए, 16 ओवर और 3 बॉल, देखते हम लोग कैम में आए हैं या नहीं आए। कितना कितनी थी? 16 ओवर 3 बॉल। हाँ उस पर हम लोग चेक करेंगे, बस ठीक है, घर जाके देखेंगे इंशाल्लाह, वायरल हो जाएगी भाई। नहीं तो 91 स्कोर का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड ने, तो फिर भाई क्या कहते हैं, पाकिस्तान मैच जीतेगा या हारेगा? अगले 30 मिनट में हमें छुट्टी हो जाएगी। पाकिस्तान जीतेगा हारेगा आप मुझे बताओ?
आप क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा? कोई मुकाबला है बच्चों जी साथ चले क्यों जी सर? पाकिस्तान जीतेगा जी इंशाल्लाह। बाबर आजम कितने स्कोर बनाएगा? बाबर आजम जो ना बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये आज शायद बराबर करेंगे, आज आज बराबर हो जाएगा। हम लोग भी अहमद के लिए आए, अहमद का फैन है हम लोग, हम भी तो अभी ये जो बाबर का ये जो फैन यहाँ बैठा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि आज हर बाबर जल्दी, इसने दो घंटे मेहनत की है उसके ऊपर, प्ले कार्ड के ऊपर, उसका है पुलिस वालों को गल ये दो, मैं बताता हूँ उन्हें ब्लॉग में। बोलो यही ने, अरे भाई कैसे है भाई जान, क्यों भाई जान, चतराल से है आप? शाबाश बेटा। आपका क्या नाम है? यार मेरा गला खराब हो गया चीख चीख के यार। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तो पाकिस्तान की बैटिंग अभी स्टार्ट होने लगी है और अभी इस वक्त सैम अयूब स्ट्राइक पे आ गया है, दूसरी साइड पे बाबर आजम आया हुआ है। सैम अयूब और बाबर आजम अभी स्टार्ट लेंगे। बाबर मेरे पास आएगा 91 स्कोर का टारगेट है और उसामा की यही उम्मीद है कि कैच इस साइड पे आ जाए। इस तरह करेंगे और कैच करके बाल वापस दोगे या जेब में डालोगे? मैं इधर से बात करता हूं। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। सैम अयूब का पहली बॉल में चौका, पहली बॉल में सैम अयूब का चौका। ये सैम अयूब है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ सैम अयूब। सैम क्या हुआ? ना ना इंशाल्लाह बच्चे को नहीं, वीडियो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना ना कुछ भी नहीं होगा, नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा। सैम अयूब सदमे में वापस जाते हुए एक पहली बॉल पे चौका और दूसरी बॉल पे आउट। तो 6 स्कोर रह गया 53 बॉल्स के ऊपर। बिल्कुल स्टेप्सल की जरूरत है। इसी के साथ पाकिस्तान मैच जीत चुका है। बच्चा बाबर आजम के साथ तो पिक्चर नहीं खिंचवा सका, लेकिन फाइनली ये बच्चा जो है उस बाबर आजम के पोस्टर के साथ जाके पिक्चर खिंचवाते हुए। कैसे चीमे कौन से मामे से? वो सादक मामे से। ये धनिया काम ले रही है साहब, और धनिया हाँ 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 मज़ा आ गया जी, साथ में चपातियाँ और नान। और उसामा अपने लिए हलीम भी लेके आया है, हलीम को भी प्लेट में डाल दे यार। कढ़ाई सामने है, हम लोग वही हलीम खाएंगे रेडी हलीम। कितने के लिए? 150 रुपये की। चल बस सुनाएगा क्या? हाँ तो आगे जी हमारे कबाब आ गए हैं। तो हम लोग आ गए पिंडी करतारपुरा बाला टिक्का वाले के पास, और यहाँ से हम लोगों ने अभी खाई है जी। क्या क्या खाया है जी? जोफ हो गया खाया है हम लोगों ने, चिकन कढ़ाई खाई है, कबाब खाए है और साथ में हलीम खाई है। लेकिन ये कि टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं रिव्यू दूँ तो मेरा रिव्यू ये कहता है कि जो चिकन कढ़ाई थी इनकी वो बस ठीक थी, 50-50 थी, मज़े की थी, बस 50-50 गुजारा ही थी चिकन कढ़ाई जो थी। लेकिन जो है कबाब था वो उसको मैं मतलब कबाब जो है वो 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। और हलीम हम लोग बाहर से 150 रुपये की लेके आए थे, वो टॉप क्लास की थी, वो 150 रुपये वाली जो थी बहुत अच्छी थी। अभी हम लोग आ गए जी लस्सी पीने के लिए भाई के पास करतारपुरा में ही। भाईजान चस आ जाए, अच्छा मज़े की लस्सी चस आ जाएगी यार। इधर एक लस्सी वाला बहुत मशहूर था, वो हम लोगों ने नेट पे वीडियो देखी है, उसका क्या नाम है जी? वो रमजान में सिर्फ देते हैं, सिर्फ रमजान में लगाते हैं, वो मशहूर इसलिए था कि वो ज्यादा टिकटॉक वीडियो बनती थी ना इसलिए। अच्छा अच्छा है, टेस्ट आपका भी वैसा ही है, जायका आपका भी वही है। ये गिलास 1400 रुपये, वो कितने का? 1400 रुपये का गिलास, शुक्र ना आए भाई। तो दुकान का नाम आ गया जी लाहौर 0 किलोमीटर, लाहौर 0 किलोमीटर पे अभी हम लोग बैठे और यहाँ पे बैठ गए हम लोग मीठी मीठी लस्सी पियेंगे। हाय 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 हाय, ताज़ी और देसी लस्सी आ गई है। उसामा क्या रिव्यू हो जी लस्सी कैसी है, क्यों जी मार मचे मजेदार?
तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस हरिपुर में पहुंच आए और मैच एंजॉय किया, खाना शाना एंजॉय किया। अभी हल्की हल्की ठंड भी होगी और बसंती को हम लोगों ने पात कर दिया। तो उम्मीद है कि आप ढाई बजे हम बल्कि 3:15 हम लोग यहाँ पे पहुंचे। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।